बीती रात हुशियारपुर के शहर दसूहा के एक प्रसिद्ध मंदिर मिट्टी पुट खूही मंदिर के पुजारी की अणपछाते व्यक्ति वालों चाकू मार के मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी अनुसार पुजारी अखिलेश पांडे निवासी मध्य प्रदेश जो मंदिर विच पिछले चार सालों तो अपने परिवार समेत मंदिर विच रह रहा सी, बीती रात अणपछाते व्यक्ति वालों उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसकी इलाज दौरान ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही थाना दसूहा के SHO गुरप्रीत सिंह अते DSP दसूहा पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना वाली थान का जायजा लिया अते लाश नू अपने कब्जे विच लै के पोस्टमार्टम लई भेज दिता। हाँ, ये पुरातन शिवजी का मंदिर है, इत्थे अपने अखिलेश पांडे सी पुजारी। रात करीब 9:30 बजे करीब जो कोई अनोन बंदा आया तो उहदे नाल कोई झगड़ा हो के, मतलब कि उन्हें चाकू मारे पेट के विच फेस ते भी, तो इन्होंने बाद हॉस्पिटल जलंधर जाके डैथ हो गई। रात सानू करीब 1 बजे पता लगा सी, इस संबंधी रात ही मौका देखिया सी, स्टेटमेंट लिखी गई रानू पांडे की, जिहड़े पांडे जी की मिसेज हैगी है, तो मुकदमा सैक्शन 302 IPC दर्ज रजिस्टर किया गया थाने दसूहा। बड़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिली सानू, तो बहुत जल्दी जिहड़ा हैगा मुलजम नू गिरफ्तार करके बिहाइंड दी बार्स होएगा। कोई CCTV वगैरह भी सामने आई है? हाँ, वो भी रात दे सी लगे हुए हैं खंगालन, तो CCTV फुटेज भी सामने आई हैगी है, उस तो ही सानू काफ़ी हेल्प मिल रही है। कोई पहचान पाई गई है कातल दी? अजे उहदी पहचान नहीं हो पाई। वजह रंजिश कोई दसी नहीं गई, मतलब इन्होंने कुछ दसिया नहीं है जे, ये तो अजय इट इज पार्ट ऑफ फरदर इन्वेस्टिगेशन। इतने वसनीक जो लोगों का कहना है कि जरा जिसने मर्डर किया है वो पैरोल के उत्ते आया हुआ है, उन्हें पहले भी कत्ल किए कि इतने कितने, मतलब ये अजय अजय इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हैगी है, इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, बंदे आइडेंटिफाई पहले करा, अरैसट करा, फिर सारे जो फैक्ट्स है सारे सामने लियावांगे, फिर तो इंटीग्रेट भी करा। CCTV में की नज़र आया, कितना का व्यक्ति है? ओल्ड एज जो बंदा हैगा नज़र आ रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी ने कहा कि रात करीब 10 बजे एक व्यक्ति ने कहा मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खानी है, पर मेरे पति ने कहा कि इस वेले रोटी का इंतजाम नहीं है। उसने दस्या कि जदों मेरे पति मंदिर का दरवाज़ा बंद करन लई गए तो उस वेले उस व्यक्ति ने मेरे पति ते चाकू नाल हमला कर दिता अते मौके तो फरार हो गया। रात को 10 बजे आया बंदा, कहिंदा बुआ खोलो पंडित जी से, तो पंडित जी बोल लगे इतने वेले क्यों आए हो आप, तो पंडित जी बोल लगे आप जाओ यहाँ से, खाना अब नहीं है इतने वेले, तो कहिंदा हमें खाना खाना है, वो इधर से तो बढ़ गया। तो पंडित जी थोड़ी देर बाद निकले कि हम बुआ बंद करने वास्ते आ रहा है, तो बुआ बंद करने गए तो उसने चाकू मार दी पंडित जी ने। कौन आदमी था? पता नहीं, हम लोग नहीं जानते, वो तो पहली बार आया है इधर मंदिर से, कभी नहीं आया, अभी हम लोगों में 3 साल हो गया, कभी नहीं देखा हम लोगों ने। आते खाना ही मांगा, कुछ और नहीं मांगा उन्होंने? नहीं, पहले दोपहर से आया था वो, दोपहर से आया तो कहते हमें नहाना, पंडित जी से बोल दिया हमारी इधर गाय हैंगी तो उनको गाय के वास्ते हमें रस्सी बनानी है, तो माड़े मोटे कपड़े ले आंदा, कहता हमें रस्सी बना के कपड़े धो के और पीछे डाल दिए, उसने 2 गमछे ले आया वो धो के डाल देते, एक लेके गला कहते हम ठंडी कोई जान दी मंदिर, ठंडी कोई चला गया, एक इधर नीचे डाल गया, कहता हम धूप से धूप लगा जाएगी फिर लेके जाएंगे। उसकी बोली कौन सी, पंजाबी थी क्या? वो पंजाबी भी बोल दादा। हाँ जी, और कुछ उसने मांग की हो? और कुछ भी नहीं की थी। कभी आप पहले उसको देखा नहीं? कभी आज की बार कभी नहीं देखा हम लोगों ने, पहली बार आया है वो। क्या कहते हो प्रशासन से, मांग क्या करते हो? कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? आपके पति आपके साथ अब नहीं रहे, प्रशासन से मांग करते हो, क्या करते हो उसको? क्या तो आदमी को कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसको फांसी की सजा दी हो आप लोग, क्यों नहीं दी तुम लोगों ने उसको? जब 4 कतल उसने की थी तो हम लोगों पहले देनी थी उसको फांसी, लेकिन उस लोगों तुम लोगों ने उसको छोड़ दिया, उनको क्यों नहीं छोड़ दिया उसको पहले देनी थी तुम लोगों? हमारे इतने इतने से बच्चे क्या करेंगे ये बताओ, लेकिन उन्होंने वो सुबह आया कि ना हमने 4 कतल की थी पंडित जी से बोल दिया, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही होगा, कहीं से माड़ा मोटा बंदा आया है
तो शाम को 10 बजे आया जब मारा है हमने चाकू उनको। चाकू बजे लैके गए रस्ते च बेचारा पूरा हो गया जी बंदा। आपां प्रशासन को यही मांग करदे जिहड़ा भी बंदा हैगा ओहनू जल्दी जल्दी फड़ के जोगबंदी सजा दित्ती जावे। किन्ने चाकू मारे सी उहनां दे लगदे? एक या दो ही है सानू इन्ना नहीं ज्यादा पता जी। हांजी मैं आंदा पे रस्ते च मैनूं पता इत्थे लगा ही आ। हांजी प्रशासन को यही मांग करदे बंदे तुरंत फड़िया जाए तो कीती कानूनी कार्रवाई कीती जावे। ठीक है।